जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आज एक फिर ये वेस्ट मटेरियल के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और ये मेरे पास एक स्टैंड है बहुत पुराना, अभी मैं इसको लगाना चाह ही रही थी तो ये टूट के दो हिस्सों में हो गया। तो आज इसको लगा के देखते हैं कि क्या ये हमारे काम आ सकता है और हम इसको एक ऐसे हैंगिंग प्लांटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए कोशिश करते हैं कि ये काम में आ जाए और हम वेस्ट चीज़ को काम में ले आए। तो गार्डन में लगा के देखते हैं कि ये लग पाता है। ये देखिए, कीलो की मदद से मैंने इसको यहाँ पर हैंग कर दिया है और आप देख पा रहे होंगे कीले मैंने यहाँ लगाई हुई हैं। तो कीलों की मदद से मैंने इसको हैंग कर दिया और मालूम नहीं हो रहा कि ये टूटा हुआ है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि हम कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं। सेमी शेड एरिया, यहाँ पर धूप आती है मगर कम आती है और पौधे आप देख रहे हैं कि दोनों चारों तरफ से इसके ऊपर लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर धूप कम आएगी और ह्यूमिडिटी बनी रहेगी। तो ये मेरे पास अभी फ़िलहाल एक है, इसको रख के देखते हैं। हाँ, इसने इसका वज़न बर्दाश्त कर लिया है। यहाँ से बस एक मग है, इसको प्लेस करके देखते हैं। ये भी लग गया आसानी से और ये भी प्लांटर के तौर पर, मैं इसको मेरा वेस्ट पे पड़ा हुआ था इसको भी यूज़ कर लेते हैं। तो आप ये देखिए कुछ इस तरह की लुक आएगी। और मैं इसमें पौधे लगा के दिखाती हूँ कि मैं कौन से पौधे लगा सकती हूँ, जो कभी धूप है अगर लगाए तो भी ख़राब हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए कि अब ये दो में प्लांटर जो आपको दिखाए थे वो ले आई हूँ। इनमें मैंने सॉइल भी डाली है और सॉइल बहुत अच्छी है, सॉफ्ट सॉइल है। और ये ड्राई हुई है लेकिन ये भी सॉफ्ट सॉइल है। तो इसमें भी और इसमें भी ये मैं दो प्लांट लाई हूँ। और आपने देखा था ये मैंने आपके साथ ही कटिंग लगाई थी और इसमें से इसके बेबी पप्स निकल आए, इनको अलग भी करूँगी और इसमें लगाऊँगी। और ये मेरे पास हार्डी प्लांट दोनों हैं और एक इसकी कटिंग लगाऊँगी आपके साथ में। तो देखते हैं कैसे लगाते हैं इनको। मैं कट करके पहले अलग कर लेती हूँ और फिर मैं इनमें लगाती हूँ। मैंने इनको जड़ के साथ इनको अलग कर लिया है। ये देखिए छोटे छोटे पप्स निकाल ली हैं इसमें से और इनको मैंने इसकी जो लीफ हटाकर इनमें वैसे ही इसको लगा दिया। इसको पानी देंगे और इसमें मैं इसको लगा दूँगी। थोड़ा सा होल्ड करेंगे ऐसे और बस इसको रख देंगे इसमें। फिर होल्ड करेंगे और ये नेक्स्ट वाले को भी देखिए कितनी अच्छी रूटिंग पानी में मैंने की है। और ये इसकी अपडेट मैं आपको देती रही हूँ, आप इसको मेरे चैनल पर जेबीज किचन गार्डन में देख सकते हैं। कितनी सॉफ्ट सॉइल है कि फटा जल्दी से लग जा रहा है फटाफट इसमें। इसको दबाएंगे हल्के हाथों से और ये आपके प्लांटर तैयार हो गए दोनों। मैंने घर से ही प्लांटर निकाले टूटे हुए, इसके साथ मैंने अरेंजमेंट करके दिखाया और अब मैं इसको आपको प्लेस करके दिखाती हूँ कि इसकी फाइनल लुक क्या आती है। थोड़ा सा इसको दबा देंगे ताकि इसकी शेप मेंटेन रहे, निकले ना ऐसे, जस्ट ऐसे। ये देखिए ये हमारे प्लांटर की फाइनल लुक है। हमने प्लांट भी लगा लिए और इस टूटे हुए हैं जो है स्टैंड को यूज़ भी कर लिया है। तो आप भी इस तरह से आई ग्रास को लगाइए और घर की वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके अपने घर में ग्रीनरी का इजाफा कीजिए, ऑक्सीजन जनरेट कीजिए और हैप्पी गार्डनिंग के साथ ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।